और एनडीए के साथ सरकार बनाने वाली है, इस पे क्या कहेंगे? मेरे भाई, अगर आप पिछले एक साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं, जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा, अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार है ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार है जितने बड़े नीतीश कुमार है।